हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसी ब्लॉग में और मैं हूं आपका अपना होस्ट प्रदीप सेमवाल। आज आपके लिए लेके आया हूं जिस मेडिसिन की जानकारी, उस मेडिसिन के बारे में आपने सुना होगा, पेंट्रम प्लस प्लस क्रीम स्किन हेल्थ केयर से रिलेटेड है और इसके बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि पेंट्रम प्लस प्लस क्रीम का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं, तो क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हर हम इस क्रीम का यूज कर रहे हैं और अब हमें हैबिट सी हो गई, यदि हम छोड़ते हैं तो हमारे फेस पे इसके निशान रह जाते हैं। तो आपको दूंगा इस मेडिसिन की जानकारी कि डॉक्टर आपको किस पर्पज के लिए इस मेडिसिन का यूज करने के लिए बोलता है, इस ऑइंटमेंट या क्रीम को लगाने के लिए बोलता है। ठीक है, तो आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आपको दूंगा हर एक सवाल का जवाब कि किस टाइप के क्वेश्चन फेस करने को मिलते हैं, जो हमें लोग पूछते हैं कि सर हम यूज कर रहे हैं तो ये इसके ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, आपको दूंगा इस मेडिसिन की पूरी जानकारी। आप जितने भी मेरे दोस्त मेरे इस चैनल पे नए हैं, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में जाके बेल वाला बटन जरूर दबाएं जिससे मैं आपको नई वीडियो की जानकारी पहुंचा सकूं। तो चले गाइस, आपको बताऊंगा आज पेंट्रम प्लस प्लस के बारे में कि इस क्रीम का मुख्य पर्पस क्या है, इसमें जो कंपोजिशन सॉल्ट है ये सॉल्ट क्या काम करते हैं, किस चीज के लिए यूज है। तो आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जिस मेडिसिन की जानकारी दूंगा उस मेडिसिन का नाम है पेंट्रम प्लस प्लस। पहले पेंट्रम प्लस आती थी, वो गवर्नमेंट ने बैन करती है, अब ये पेंट्रम प्लस प्लस आती है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको मैक्रोड्स कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। 15 ग्राम की इसकी पैकिंग आती है और इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। ये मार्केट जो एमआरपी रेट में मिलती है 97.50। ठीक है, ये इसकी एमआरपी रेट होती है मार्केट में और ये मेडिसिन जो है रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर ही उसके प्रिस्क्रिप्शन पे ये मेडिसिन आपको यूज करना है, डॉक्टर के पर्चे पे ही इस मेडिसिन का यूज करें। यदि आप अपनी तरफ से इसका मेडिसिन का यूज करते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत सारे लोग इसको फेयरनेस के लिए यूज करते हैं, पर उनको बता दूं ये कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है, इसका फेस पे फेयरनेस से इसका कोई संबंध नहीं है। यदि आप इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो आप पहले इस मेडिसिन का यूज करें, अच्छे से पहले इसको पढ़ें, इसके बारे में जानकारी लें, फिर इस मेडिसिन का यूज करें। ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा इसमें जो कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन में जो तीन सॉल्ट है, इन तीन सॉल्टों का इसमें क्या काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहला सॉल्ट इसमें है क्लोबिटासोल, प्रोपेनेट जो है 0.05% है। तो इसका जो मुख्य काम होता है, ये एक प्रकार से कोर्टिकोस्टेरॉइड है। ठीक है, ये जो केमिकल जो मैसेंजर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन के उत्पाद को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जो कि सूजन और खुजली और मतलब रेडनेस जो होती है उसके लिए जो जिम्मेदार केमिकल्स होते हैं जो हमारे नर्व सिस्टम से रिलीज होते हैं, तो उस चीज को ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा सॉल्ट की बात बताऊंगा, नियोमाइसिन सल्फेट। ये एक प्रकार से एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोककर उसको खत्म कर देता है। ठीक है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है स्किन पे, उसको ग्रोथ को जो होता है ये उसको रोक देता है, उसकी ग्रोथ को रोक देता है और उसको खत्म कर देता है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा सॉल्ट जो है इसमें माइकोनाजोल नाइट्रेट जो है, ये एक प्रकार से एंटी फंगल है, फंगल मेडिसिन है। एंटी फंगल जो फंगी के अपने लिए जो सुरक्षा कवच बनाता है, जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसका जो सुरक्षा कवच होता है उसको ये माइकोनाजोल खत्म करके इसको रोक देता है। तो समझ पा रहे होंगे कि ये जो इसमें तीन सॉल्ट है, इन सॉल्ट से लगता नहीं है कि ये कोई फेयरनेस क्रीम है। इसका जो मुख्य काम है वो स्किन एलर्जी रेडनेस में, इसका जो एलर्जी इन्फेक्शन हो जाता है स्किन पे उसके लिए इसका यूज किया जाता है, कोई फेयरनेस क्रीम है। यदि आप इसका यूज फेस पे कर रहे हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं कि इसमें से जो स्टेरॉइड है वो आपकी स्किन को हमेशा के लिए डैमेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार की यदि आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो आप स्किन पे इसका यूज ना करें, क्योंकि फेस पे डैमेज कर सकता है आपके फेस को ये स्टेरॉइड। ठीक है, डॉक्टर की अनुमति से ही इस मेडिसिन का यूज करें यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर हम इसका कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, हमारे फेस पे छोड़ देते हैं तो ब्लैक हेड पड़ जाते हैं। तो उनके लिए ये है कि यदि आप कंटिन्यू यूज कर रहे हैं तो आप वीकली, पहले तो डेली लगाते होंगे, उसके बाद एक दिन छोड़ के आप इस मेडिसिन का यूज करें, अल्टरनेट डेज पे लगाएं, धीरे धीरे करके उसको दो दिन बाद करें, धीरे धीरे करके उसको हफ्ते में एक दिन लगाएं
और यदि ब्लैक स्पॉट रह जाते हैं तो उनके लिए ये घरेलू उपचार भी बताऊंगा, क्योंकि उसमें आप एलोवेरा का यूज कर सकते हैं। एलोवेरा लगा के उस स्किन को आप जो डैमेज हो चुकी है उसको रिपेयर कर सकते हैं। एलोवेरा उसके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो सकता है, ठीक है। तो एलोवेरा सुबह सुबह लगाएं आप, उससे आपकी स्किन क्या सॉफ्ट रहेगी और जो डैमेज स्किन है उससे आपको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा और स्किन आपकी सही होगी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ पाए होंगे तो किस प्रकार से पेंट्रम प्लस प्लस का यूज करना है। ये कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है, ये एलर्जी फंगल इन्फेक्शन, स्किन में कोई एलर्जी या रेडनेस स्वेलिंग इन्फेक्शन है तो उसके लिए ये मुख्यतः यूज की जाती है, ठीक है। डॉक्टर के अनुमति से इस मेडिसिन का यूज करें, बिना डॉक्टर की सहायता से इस मेडिसिन का कोई यूज ना करें, वो हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में जाकर बेल वाला बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद, थैंक यू।